वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिवाली स्पेशल खोया बर्फी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 किलो भैंस का दूध का खोया और 100 ग्राम चीनी लिया। चीनी को पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको पिघला लूँगी। गैस का फ्लेम जो है इसको अभी मैं तेज ही रखूँगी। देखिए आप, चीनी जो पिघल गया है और जो खोया मैंने पहले बना के रखा था चीनी में डाल दूंगी और अच्छे तरह से चीनी और खोया को मिक्स कर लूंगी। मैंने खोया घर पे बनाया। आप अगर खोया बाजार का यूज़ करेंगे तो पहले खोया को थोड़ा सा भून ले, उसके बाद चीनी में डालें, नहीं तो मिठाई जो है बड़ी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी तरह से अच्छे तरह से मिक्स करना है। गैस का फ्लेम जो है कभी तेज कभी कम करना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। इस वजह से गैस का फ्लेम है कभी कम ज़्यादा करना है। देखिए इसी तरह से चला के इसको टाइट कर लेना है और गैस बंद करने के बाद भी थोड़ी देर इसको चलाना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब अच्छे से हाथ से थोड़ी देर के लिए इसको मैश कर लूँगी। अब अच्छे से मैश करने के बाद इसको मैं एक प्लेट में सेट कर लूँगी। इसी तरह से दबा दबा के स्पैचुला के ऐसे ही दबा के सेट करूँगी। ऊपर का प्लेन स्पैचुला से सेप प्लेन कर दूँगी। देखिए अच्छे से प्लेन हो गया है। आप साइड से भी थोड़ा सा अच्छे सा शेप में दे दूंगी। जैसे भी आपको शेप देना है आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये बर्फी जो है बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं 2 बादाम को कद्दूकस करके उसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। देखिए इसको ऊपर से बादाम मैंने गार्निश कर दिया। आप इसका मैं पीस काट लूँगी चाकू से। आप किसी भी शेप काट सकते हैं, मैं चौकोर शेप काट रही हूँ। इसका पीस बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए जल्दी जल्दी देखिए अच्छे से निकल गया है और ये देखने में भी जितना अच्छा लगता है खाने में भी उतना अच्छा लगता है। तो दिवाली पे आप भी घर पे खोया बर्फी बनाइए, आप भी खाइए और आपको गेस्ट को भी खिलाइए और खा के कमेंट करके ज़रूर बताइए। और खोया बर्फी, मेरे खोया बर्फी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।